आर्टिकल 370 हटने के बाद पहला बड़ा जम्मू कश्मीर में हमला किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कल जीवन में आतंकी हमला बस पर किया गया है। बस में 14 जवान घायल हो गए हैं, इनमें से 4 जवानों की दुखद शहीद हुए हैं। जी आपको बता दें 4 जवान जो हैं इस आतंकी हमले में शहीद हुए। ये दुखद खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में। कल 2 जवान शहीद हो गए थे, आज सुबह 1 की हालत, और अभी जो ब्रेकिंग निकल के आ रही एक और पुलिसकर्मी जो है इनमें शहीद हो गए हैं। टोटल 4 पुलिसकर्मी जो है शहीद बताए जा रहे हैं दोस्तों। 12 घायल, 3 घायल बताए, 11 घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला बड़ा हमला है जब बस को निशाना बनाया गया, और जिस बस को निशाना बनाया गया उनमें ज़्यादातर पुलिस वाले जो है वो निहत्थे थे, सेना के कुछ जवान भी थे। तो इनमें जो जवान शहीद हुए हैं उनमें 3 जो है वो पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं स्थानीय। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये निकल के आई दोस्तों कि आखिर आतंकियों को पता कैसे चला कि ये जो बिना बुलेट प्रूफ बस जा रही है, जो पुलिस और सेना से भरी हुई है, आखिर इसमें किसी भी तरीके से किसी के पास, 1-2 के पास केवल हथियार थे, बाकी सब निहत्थे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बस के पहले टायर को पंक्चर किया गया। जी हाँ, जो खबर निकल के आ रही है पहले बस के टायर को पंक्चर किया गया और फिर तीन तरफ से बाइक सवार आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिनमें से सबसे बड़ा हमला है 14 जवान तत्काल घायल हो गए थे। हालांकि 2 पुलिसकर्मी जो है तुरंत शहीद हो गए थे, और माना जा रहा है कि अभी 1-2 और पुलिसकर्मी शहीद बताए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी दुखद खबर निकल के आ रही है। और दोस्तों आपको बता दें आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर के विकास को नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन फिर सेना ने भी ताबड़तोड़ एक्शन लिया है और अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने 14 जवानों पर फायरिंग की थी, जिनमें से 4 जो है, 3 पुलिसकर्मी, 1 जवान, 4 टोटल लोग शहीद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सोमवार शाम आतंकवादियों ने पुलिस बस पर हमला कर दिया। फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी तत्काल शहीद हो गया, जबकि 1 पुलिसकर्मी मंगलवार सुबह यानी आज सुबह शहीद हुए हैं, और 1 अभी निकल के आ रही है। तो अभी भी 10 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हैं। हमले के कुछ घंटों के बाद आतंकी समूह जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। जी हाँ, जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि 25 पुलिसकर्मियों को ले जा रही बस 2-3 आतंकियों ने 3 तरफ से हमला कर दिया था। हमले में 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, इनमें से 3 शहीद हो गए, आज 1 शहीद हुए हैं। 11 अभी फिलहाल 10 खतरे से बाहर बताए। जैसे मोहम्मद की ग्रुप कश्मीर टाइगर्स ने हमले को अंजाम दिया है, कश्मीर टाइगर्स ने। दरअसल हमला श्रीनगर के जेवन इलाके के खेमनोड़ रोड के पंथा चौक में हुआ है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि इंडियन रिजर्व पुलिस के 9वीं बटालियन की बस पर आतंकवादियों ने फायरिंग की है। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। दोस्तों कल प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पूरे दिन भर जो है वो थके रहे शाम को, लेकिन उसके बावजूद रात 1 बजे तक काशी की सड़कों पर घूमते रहे। लेकिन अचानक रात 8, 8:30, 9 बजे के करीब एक खबर आई, और खबर ये थी कि जम्मू कश्मीर आतंकियों ने सेना पर हमला कर दिया है। जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला था। आपको बता दें जम्मू कश्मीर में इस बड़े हमले के बीच जो खबर निकल के आई ये कि 2 सेना के जवान शहीद हो गए और 14 घायल। जी हाँ, 14 पर गोली चली है, जिनमें 2 शहीद भी हो चुके हैं। हालांकि आपको बता दें जो खबर निकल के आई है वो पहले आतंकियों ने बस के टायर को पंक्चर किया है, ये खबर निकल के आ रही है। उसके बाद 3 तरफ से आतंकियों ने सेना से, पुलिस से भरी बस पर हमला कर दिया है। पूर्व DGP बोले बिना सुरक्षा मूवमेंट की ये बड़ी चूक है। जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व DGP SP वैद ने बातचीत करते हुए कहा है कि फिलहाल पुलिस टुकड़ी की मूवमेंट होती है, तो एरिया डोमिनेशन कर सुरक्षा की जाती है। जहां हमला हुआ है वहां CRPF, BSF, ITBP और JKP के कैंप हैं। ने कहा है कि हमले वाले इलाके में आमतौर पर भारी पुलिस बल तैनात रहता है, लेकिन आज की घटना समझ से परे है, ये सुरक्षा की बड़ी चूक लग रही है। पुलिस पार्टी मूवमेंट में हथियार होने चाहिए, लेकिन खबरें हैं कि ज़्यादातर पुलिसकर्मियों के पास हथियार भी नहीं थे। मूवमेंट के वक्त प्रोटेक्शन पार्टी भी होनी चाहिए, और ये इलाका रिहायशी है, इसमें सुरक्षा बलों का मूवमेंट होता रहता है। लेकिन आज जिस तरीके से ये हमले हुए हैं,
ये कहीं ना कहीं आतंकियों के मंसूबे जो है वो आर्टिकल 370 हटने के बाद किस तरीके से दहशतगर्द बौखलाए झल्लाए तिलमिलाए रो रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी खबर है। इन पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया। अगर बात करें इनमें तो SI गुलाम हसन, कांस्टेबल सज्जाद अहमद, कांस्टेबल रमीज अहमद, कांस्टेबल विशंभर दास, सिलेक्शन ग्रैंड कांस्टेबल संजय कुमार, इसके साथ ही विकास शर्मा, कांस्टेबल अब्दुल मजीद, कांस्टेबल मुजद्दिर अहमद, कांस्टेबल रवि कांत, शौकत अली, अर्शीद, शौफी, तदबीर, आदिल, तो ये इनमें से कहीं ना कहीं ये सारे के सारे पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, महबूबा ने कहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, उमर अब्दुल्ला ने भी दुख जताया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आखिर इन जिन लोगों ने आज दुख जताया है इन्हीं लोगों के भड़काने पे ये सारे कर्मकांड हो भी रहे हैं। शायद बीच बीच में इनकी जो ये बातें होती हैं इसी वजह से ये सारी चीज़ें खून खराबे भी हो रहे हैं। अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें, जिस तरीके की ये सारी घटनाएं हुई हैं इसे आप कैसे देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें 24 घंटे भी नहीं बीता और 24 घंटे नहीं बीता और आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। पुंछ जिले के सुरनकोट तहसील की डोरी धूप में भी सुरक्षा बलों ने आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिनमें सुरक्षाकर्मियों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया और एक आतंकी लगभग वो भी निपटने वाला है, क्योंकि उससे भी आतंकियों को जो सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से घेर रखा है। आपको बता दें कल ही 2 आतंकियों को ढेर किया गया था और आतंकी इसी को देखते हुए पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें बस पंचर और फिर गोलियां बरसाई हैं। आतंकी हमले के घायल जवानों के लिए कश्मीरी जो वहां के स्थानीय कश्मीरी थे वो फरिश्ता बने हैं, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सेना का एक्शन लगातार जारी है और सेना ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है, खास करके उन इलाकों को सर्च ऑपरेशन जोन में घोषित कर दिया और चप्पे पे पुलिस सेना के जवान तैनात कर दिए गए हैं। और खास करके सैनिकों को जो छूट है वो तो छूट है ही, लेकिन आतंकियों को किसी तरीके से बख्शने की बातें कही गई, किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही का जो नतीजा है श्रीनगर आतंकी हमला बुलेट प्रूफ बस नहीं थी, ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर जाँच जारी है, आखिर किसकी कमी से इतना बड़ा हादसा हुआ, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद दोस्तों एक साथ 14 जवानों पर गोलियां बरसाना कहीं ना कहीं जम्मू आतंक ने जम्मू कश्मीर को छलनी जो किया है श्रीनगर को, ये अपने आप में सवाल से कहीं ना कहीं परे है और इसका जवाब जो है वो मिलना बाकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में सेना को जो एक्शन है वो लगातार ताबड़तोड़ जारी है और एक्शन में सेना 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है पिछले 24 घंटे में और बदला लगभग पूरा कर लिया है। हालांकि आपको बता दें अभी भी सर्च ऑपरेशन कई जगहों पर जारी है। आतंकियों को लग रहा है कि हम सेना को जो है वो सेना और सुरक्षा बलों को उनके मनोबल को डाउन कर देंगे, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों का जोश जो है वो हाई है, इन आतंकियों का सफाया यूं ही होता रहेगा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन देश के शहीद जवानों को सत सत